अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के व्लॉग में मैं अपने एरिया को एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ये वो एरिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, इसे कहते हैं राइन माइन एरिया। मैं तकरीबन यहाँ पे पिछले 5 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जॉब भी यहाँ पे कर रहा हूँ। और यहाँ इस एरिया को राइन माइन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रिवर राइन और रिवर माइन गुजरते हैं, जो कि जर्मनी के सबसे बड़े रिवर्स में से आते हैं। और जो सबसे बड़ी सिटी यहाँ पे लगती है वो फ्रैंकफर्ट, जो मेरे घर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है। बाकी जो दो बड़ी सिटीज़ हैं जो बिल्कुल घर के पास हैं, वो है वीसबादन और माइंस। और आज जो है इस बेसिकली इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि एक तो रमज़ान है, तो 4-5 घंटे में जो है ना बड़े आराम से मैं ये एरिया एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और काफ़ी खूबसूरत एरिया है। तो लेट्स गो। अभी हम जहाँ से गुजरेंगे, ये सामने जो पुल आ रहा है इसे कहते हैं, यहाँ से गुजर रहा है रिवर माइन, और साथ ही जो है वो रिवर राइन है। तो ये माइन जो है ना, ये जाके उसमें गिर जाता है। माइन जो है ये जर्मनी से स्टार्ट होता है, और ये जर्मनी के मेरे ख्याल में जो जर्मनी से स्टार्ट होते हैं और जर्मनी में ख़त्म होते हैं रिवर, उन सब में से बड़ा है। ये गुजर रहा है यहाँ से, और यहाँ पे जाके जो है आगे सामने रिवर राइन में गुजर जाएगा, जिसके साथ साथ मैं आगे जो है ना ड्राइव करके जाऊँगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो है ना लॉकडाउन की वो कम की हैं, तो गेमी दोबारा से स्टार्ट होगी है रोड्स पे ना। आज तो वैसे भी वीक डे है, तो मोस्टली लोग जो है ना अभी घरों में काम शाम कर रहे हैं, लेकिन वीकेंड पे जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। और मेरा प्लान था कि मैं वीकेंड पे व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश था, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था ड्राइव करने का, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी हम लगेंगे ऑटोबान पे, जो कि हाँ यहाँ के स्पीड लिमिट के बगैर है, इस एरिया में भी स्पीड लिमिट के बगैर है। तो थोड़ी देर वहाँ पे ड्राइव करूँगा, और उसके बाद जो है वो छोटी रोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑटोबान पे चलाने का जो है ना बाइक वो मज़ा नहीं आता, सीनरी सारी जो है ना वो इन छोटी रोड्स पे ही होती है। अभी मैंने जाना है रोडेसहाइम की तरफ, जो कि यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज भी है, और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस है, स्पेशली जो जर्मनी में ख़ास तौर पे, और जर्मनी से बाहर जो चाइनीज़ वगैरह आते हैं वो इधर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, अमेरिकन भी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी उसकी तरफ जाना है, और वो यहाँ से तकरीबन और 30 किलोमीटर दूर है, तो मुझे और 20-25 मिनट लग जाएंगे। आज मौसम बहुत अच्छा है यार, ख़ास तौर पर जब मैं फिल्मिंग करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह का मौसम होगा जिसमें थोड़े बहुत जो क्लाउड्स हैं ना स्काई में हो। अगर क्लाउड्स ना हो तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सारा स्काई जो है वो नीला है और उसमें कुछ हो नहीं रहा, तो वो एक फील नहीं आती मूवी में ना। इसलिए कोशिश करें जब आप भी फिल्मिंग के लिए जाएँ, कुछ भी रिकॉर्ड करें, तो देखें कि आसमान पर क्लाउड्स वगैरह हों तो और ज़्यादा खूबसूरत जो है ना सिनेमेटिक्स वगैरह लगेंगी, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। तो ये जो मेरे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, ये है जी दरिया राइन, जो कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के जो आल्प्स हैं वहाँ से निकलता है, उसके बॉर्डर से, और फिर साथ में जो फ्रांस के और जर्मनी के बॉर्डर से लगता ये अभी जर्मनी से गुजरेगा, फिर उसके बाद जो है नैदरलैंड जाएगा, और जाके रोटरडैम की हाफन में आई थिंक जाके गिरता है, नॉर्थ सी को जाके लगेगा। 1280 किलोमीटर कुछ इसकी लेंथ है आई थिंक, मेरे ख्याल में, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन इतनी है। आज काफ़ी ज़्यादा हवा है, तो हो सकता है कि मेरी, यार ये कैमरा भी लगा हुआ है आगे, तेरा
शुक्र है बचत होगी, क्योंकि इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही नए रेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं और काफ़ी महंगा है। अगर मैं यहाँ पे 60 अलाउड है, तो अगर मैं जा रहा हूँ 80 की स्पीड से और कैमरा जब पकड़ लेता है तो मेरा लाइसेंस गया, इसलिए मुझे बड़ी एहतियात से अब चलानी पड़ेगी। एक महीने के लिए आई थिंक लाइसेंस अब जाया करेगा। इस एरिया की खास बात है कि यहाँ पे आप ये जो सारी देख रहे हैं राइट साइड पे, ये सारी वाइन है और यहाँ पे जो वाइन की काश्तकारी बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए ये बहुत मशहूर है, जो कि यहाँ की मेन इंडस्ट्री आई थिंक सबसे बड़ा जो बिजनेस है यहाँ पे एग्रीकल्चर में वो यही है, ये वाइन के। तो अभी आप देख रहे हैं कि सारे लगे हुए हैं आजकल, क्योंकि ईस्ट यूरोप से जो है इनको बहुत ही कम वर्कर्स आए हैं इस दफ़ा कोरोना की वजह से, तो भी इनको मसले मसाइल पड़े हुए हैं। सभी हम जो इंटर हो गए हैं रोडी साइड में, जो यहाँ के मेन टूरिस्ट विलेज है, टाउन है, छोटा सा कस्बा टाइप है। यहाँ के जो आर्किटेक्चर है, आगे गांव का वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो सारा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया गांव में भी। यहाँ पे भी ये भी आप देख सकते हैं कि हर गांव में जहाँ से भी मैं गुजर रहा हूँगा ना, आपको कोई ना कोई इंडस्ट्री यहाँ पर ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोशिश होती है कि सारी इंडस्ट्री जो उस शहरों में चली जाए। यहाँ पे गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मोस्टली लोग जो ना अभी भी उन्हीं एरियाज में रहते हैं जहाँ पे वो पैदा हुए थे। नॉर्मली अगर मैं इन दिनों यहाँ हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये सारी शॉप्स वगैरह जो है वो ऑलमोस्ट बंद हैं, और साथ में इन्होंने एरिया भी क्लोज कर दिया है कि आप जो है ना इंटर हो ही नहीं सकते इधर। देखते हैं कि कुछ खुला भी है, ये सिर्फ आइसक्रीम वाली शॉप्स मुझे जो है ना लग रही हैं खुली। रोजे में हम आइसक्रीम तो खा नहीं सकते। चलें एक काम करते हैं कि आगे चल के देखते हैं कि इधर से जो है ना थोड़ा सा शहर का एक व्यू लेते हैं, शहर का क्या गांव का व्यू लेते हैं। सब कुछ ऑलमोस्ट बंद है यहाँ पे, बस आइसक्रीम वालों को इन्होंने इजाजत दी हुई है। यहाँ से तो जा नहीं सकते, यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं हम, इधर से हम जा सकते हैं। ये बड़ा टिपिकल सा जर्मन आर्किटेक्चर है यहाँ पे। ये फायदा मोटरसाइकिल पे, मैं जो है ना इन गलियों में चला सकता हूँ आराम से, गाड़ी पे जो है ना मसला होता है और अक्सर जो है अलाव भी नहीं होता। मोटरसाइकिल पे चलो बंदा घुस भी जाए ना तो उन्हें कहता है मुझे पता नहीं चला, कोई माफ कर दो। सो ये है जी यहाँ की मशहूर गली, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है यहाँ का। अलाव नहीं है, आगे एक बंदा बैठा हुआ है, गुस्सा ना करें। कुछ नहीं कहा उसने भाई, मुझे डर लग रहा था कि कहीं जाकर गलत काम करते हुए मुझे डर जरूर लगता है। एटलीस्ट जो है ना कोशिश करता ना इस तरह के पंगे लिया करो ना यार। ये सामने इन्होंने लगाया तो हुआ था रेड है, और लोग जो है ना वो गुजरे जा रहे थे जाहिलों की तरह। सब हम यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हो गए, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप ये मेरे दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ना विलेज, जिसे कहते हैं बिंगन, बिंगन से लेके कोब्लेंस तक का एक स्ट्रेच है, जो कि यहाँ कोब्लेंस से भी एक बड़ी सिटी है 60 किलोमीटर का, जिससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल है। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैसल हैं और मेरे ख्याल में 12वीं या 13वीं सेंचुरी के हैं, जो कि मैं थोड़ी देर में यहाँ से गुजर के जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। मोस्टली कैसल जो है ना वो उस साइड पे हैं, इसलिए उस विलेज का उन्होंने नाम रखा है, अदरवाइज़ जो है रूडी साइम ज़्यादा टूरिस्टी जगह है। चलें जी फाइनली खुल गया शाहरा,
अभी यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है। मेरी किस्मत अच्छी कि मेरे सामने से जो ना जो बारिश एक शदीद किस्म की गुजरी है 2-4 मिनट के लिए, वो आगे से गुजर गई है, बचत होगी। अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे पीछे आप कैसल देख रहे हैं, इसे कहते हैं राइशनश्टाइन कैसल। इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा कैसल्स हैं और ये बने थे रोमन्स के दौर में, जब उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रीजन था यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सारी यहाँ से होती थी सेंट्रल यूरोप में। और बाद में जब 16th century में हुई थी यहाँ पे वॉर, 30-year war, शायद उसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, तो मैं आगे जाके वो भी आपको बताता हूँ। उसमें ये सारे कैसल जो है ना ये तबाह हो गए थे। अब इन सब को रेनोवेट किया गया बाद में, क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड फैमिलीज़ के कैसल हैं और इनमें मोस्टली जो है कोई होटल है या किसी फैमिली जो है ना वो अपना घर भी उन्होंने बनाया हुआ, रह रहे हैं यहाँ पे भी। ये सही नहीं लग रहा। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि 30-year war का, आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों को पता है, 1618 में ये वॉर हुई थी 30 साल के लिए यूरोप में। ये वॉर जो थी ये स्टार्ट तो हुई थी रिलीजियस बेसिस पे, जो इनके दो सेक्ट हैं क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, और बाद में इसको पॉलिटिकल शेप मिल गई क्योंकि हर स्टेट का अपना मफाद था। जो रोमन्स थे या फिर हंगेरियन थे, क्रोएशियन थे, ऑस्ट्रियन थे, सब शामिल हो गए थे इसमें अपने मफाद के लिए, और उसमें 8 मिलियन लोग मारे गए थे, 8 मिलियन। और जर्मनी का ये रीजन जो है ना, यहाँ पे ये सारे कैसल जो है ना उसी दौर में टूटे फूटे थे, 20% पॉपुलेशन इनकी मारी गई थी। और कुछ एरियाज जो है मसलन यहाँ पे ये ब्लैक फॉरेस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे बताते हैं कि 50% लोग मारे गए थे। वो सारे लोग जो है ना वो वॉर से तो नहीं मारे गए थे, लेकिन वॉर के नतीजे में जो बाकी चीज़ें होती थी कि खुराक की कमी या डिजीज़ वगैरह आ जाते थे, कि बीमारियाँ फैल जाती थी, तो इस वजह से टोटल जो था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी यहाँ पे 1945 में, जिसमें आई थिंक 5 या 6 मिलियन के करीब जूस मरे थे, उससे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो उस जानी नुकसान, मेरे ख्याल में वन ऑफ द डेविस्टेटिंग टाइम था यूरोप का। और अभी आप देख रहे हैं बार बार कैसल आ रहे हैं, आ ही जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। ये जो कर्व आते हैं ना, मज़ा आता है यहाँ पे चलाने का यहाँ पे, लेकिन है 50 ही, इसलिए 50 से ऊपर नहीं जाना। चढ़ाई चढ़ाई चढ़ाई, मोड़ बड़े जाने में यहाँ के यार। पहुंच गए हैं हम के अभी नहीं, नहीं थोड़ा सा आगे और जाना है। यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, इधर मैं इस एरिया में पहले नहीं आया, मैं दूसरी तरफ जाता था वो चट्टान पे, मैंने कहा इस पर थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए।
खूबसूरत खूबसूरत घर हैं यार यहाँ पे, स्पेशली जिनके व्यू उधर के हैं ना, बहुत ही आला। इस एरिया में तो शायद घर भी अफोर्डेबल हों, लेकिन टूरिज्म की वजह से मुश्किल है कि यहाँ भी जो है ना इतने सस्ते हों। ये आ गया जी कैसल अपने लेफ्ट पे। It's a perfect day for the road. The blue sky will take us home. We'll take it easy, we'll take it slow. सो ये मेरे ख्याल में अपर राइन वैली का, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का एरिया है, उसमें सबसे खूबसूरत एरिया ये वाला है। स्पेशली क्योंकि यहाँ की रॉक्स जो हैं वो हाई हैं और साथ में चार पांच कैसल जो है ना वो एक दूसरे के साथ साथ हैं। और अभी अफ्तारी में तकरीबन एक डेढ़ घंटा है, इसलिए मैं दूसरा डेढ़ घंटा नहीं है, दो घंटे पूरे, और मुझे घर जाने में तकरीबन डेढ़ घंटा लगेगा। क्योंकि अगर मैं यही रोड लूँ जो सीधी दरिया के साथ साथ आ रही है तो मुझे लगेगा तकरीबन सवा घंटा, और अगर मैं अंदर अंदर से जाऊँ तो डेढ़ घंटा एक घंटा 40 मिनट जो है ना लग जाएंगे। तो अभी टाइम है तो अंदर अंदर से रोड ले देंगे, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी और थोड़े से कर्व्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो मज़ा आएगा। चलते हैं उधर से। Diamonds shine on the snow. My guitar's asleep on the backseat. I'm following the river to another show. It's a perfect day for the road. Go so fast when you're with the ones you love. But I won't worry today, even if time flies away. Even if time flies away. मैं अभी ऑलमोस्ट अपने घर के करीब पहुंच गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट अफ्तारी का भी टाइम हो गया है, चार पाँच मिनट रह गए, इसलिए व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी से जाके अफ्तारी करते हैं। बड़ी भूख लगी है मुझे, और जब तक यहाँ पे जो है मेरा ट्रिप स्टार्ट नहीं होता, टूर स्टार्ट नहीं होता, मैं आसपास के एरिया जो एक्सप्लोर करूँगा, और स्पेशली जब जर्मनी की दूसरी स्टेट्स में हमें जाने की इजाज़त होगी, ख़ासतौर पर बायन में, अभी वहाँ पर आज के दिन जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो वहाँ पर हमें मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं है, और जब हमें वो इजाज़त होगी तो मैं वो एरिया भी एक्सप्लोर करूँगा जब तक बॉर्डर नहीं खुलते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। इट्स अ परफेक्ट डे फॉर द रोड, द ब्लू स्काई विल टेक अस होम।